नमस्कार मित्रों, आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म कॉम्पटेरिया पर। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर अचीव योर गोल। भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के इस महत्वपूर्ण पोर्टल पर आप सभी विद्यार्थियों का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। देखिए बच्चों, हमारा जो विषय चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर 19 इंडियन पॉलिटी एंड पॉलिटिकल रिव्यू, जन संघर्ष और राजनीतिक व्यवस्था हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम जन आंदोलन के सबक पढ़ रहे हैं। जब हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन पढ़ रहे हैं, उसी आंदोलन के सबक क्या थे, क्या सबक मिला हमें सब जन आंदोलनों का। अभी चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है, तो जन आंदोलनों के सबक क्या मिले। जन आंदोलन जो हुए, चिपके आंदोलन हुए, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुए, ताड़ी विरोधी संघर्ष हुआ, ध्यान दीजिए आप, तो उन आंदोलनों के क्या सबक हमको मिला। कि ऐसे आंदोलनों के आलोचक अक्सर ऐसी दलील देते थे, मतलब मिसाल देते थे, बात करते थे, दलील देते थे, डिस्कशन करते थे, बात ये कहते थे वो कि हड़तालें और धरना और रैली जैसी सामूहिक कार्रवाइयों से सरकार के काम काज पर खुला काम का तो बुरा असर पड़ता है। इनके अनुसार इस तरह की गतिविधियां, मतलब कि ये जो आपका जन आंदोलन है, यही गतिविधियां और कोई नहीं गतिविधियां है बच्चों, इस तरह की गतिविधियां से सरकार की बहुत पैसा खर्च करती है सरकार। देखिए, सुरक्षा पे, आपकी शिक्षा पे, सरकार करे तो क्या करे, क्या निर्णय ले, तो सरकार की इस तरह गतिविधियां जो करते हैं लोग, समूह करता है, जन समूह करता है, जन आंदोलन करता है, उससे सरकार की निर्णय प्रक्रिया बाधित होती है। क्या निर्णय लेना था, क्या निर्णय ले लिया। और रोजमर्रा जो भी आम लोग हैं, जिनकी दिनचर्या है लोगों की, तो इसको बोलते हैं लोकतांत्रिक। क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक मतलब लोगों से जुड़ी हुई, हर एक व्यक्ति से जुड़ी हुई, देश के हर एक व्यक्ति से जुड़ी हुई जो व्यवस्था है वो भंग। ऐसे आंदोलनों के आलोचक अक्सर ऐसी दलील देते हैं कि हड़ताल, धरना और रैली जैसी सामूहिक कार्रवाइयों से सरकार के कामकाज पर बुरा असर पड़ता है, और इसके अनुसार, उनके अनुसार इस तरह की गतिविधियां से सरकार की निर्णय प्रक्रिया बाधित होती है और रोजमर्रा के लोकतांत्रिक व्यवस्था भंग होती है। क्या सबक मिलता है जन आंदोलन से ऐसी दलील। एक और गहरे मतलब विकट, मतलब कि सीरियस सवाल को जन्म देती है। क्या जन्म देती है? यह ऐसा सवाल है कि जन आंदोलनों ऐसी मुखर सामूहिक, मुखर मतलब तुरंत मुंह पर बोलने वाला, सामने की बात, ऐसी मुखर सामूहिक गतिविधियों का सहारा क्यों लेते हैं। जन आंदोलन जो है ऐसी मुखर सामूहिक गतिविधियों का सहारा क्यों लेते हैं, यह प्रश्न आता है।
बात को स्पष्टता से रखिए, जन आंदोलन जनता की जवाब, जनता की जायज मांग, मतलब सही है जो सम्मत है मिलना चाहिए, जायज मांगो के नुमाइंदा, नुमाइंदा मतलब कार्यकर्ता बन जाएंगे कि हम इनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, मतलब इनके तरफ से बोल रहे हैं, नुमाइंदा बनकर उभरे हैं। ये लोग जो है ऐसा करके उभरे, उन्होंने नागरिकों के एक बड़े समूह जो आंदोलनकारी हैं, उन्होंने नागरिकों की एक बड़े समूह अपने स्वार्थ के लिए भी करके अपने साथ जोड़ने में नागरिकों के बड़े समूह को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की। इन आंदोलनों के आलोचक अक्सर ऐसी दलील देते हैं कि हड़ताल, धरना और रैली जैसी सामूहिक कार्रवाइयों से सरकार के कामकाज पर बुरा असर पड़ता है। सही बात है। और उनके अनुसार इस तरह की गतिविधियों से सरकार की निर्णय प्रक्रिया बाधित होती है। क्या बाधित होती है? निर्णय लेने की जो प्रोसीजर है वो बाधित हो जाती है। और रोजमर्रा की लोकतांत्रिक व्यवस्था भंग होती है। ऐसी दलीलें एक और गहरे सवाल को जन्म देती है। क्या सवाल है वो? कि जन आंदोलनों ऐसी मुखर सामूहिक गतिविधियों का सहारा क्यों लेते हैं? ऐसा सवाल है कि क्यों जन आंदोलनों की ऐसी मुखर सामूहिक गतिविधियों का सहारा लेते हैं? ये जन आंदोलन जनता की जायज मांगों के क्या करते हैं? ये जनता की जायज मांगों के ये जन आंदोलन जनता की जायज मांगों के नुमाइंदे बनकर, नुमाइंदा बनकर उभर जाते जो जन आंदोलन है। और उन्होंने नागरिकों के एक बड़े समूह को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। मतलब जन आंदोलन इस तरीके का व्यवहार करता है, जन आंदोलन का व्यवहार है। इन आंदोलनों के द्वारा लामबंद की जाने वाली जनता सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित और अधिकारहीन वर्गों से संबंध रखती है। जन आंदोलन द्वारा अपनाए गए तौर तरीकों से पता चलता है रोजमर्रा की
होना ही होना है, और सरकार को भी अपना निर्णय लेने में अपनी चीजों को जो रोज की उसे काम है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, जिससे कि आम जनता को परेशानियां भी होती है। यही बात कही जा रही कि रोजमर्रा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आपने रोड जाम कर दिया, चक्का जाम कर दिया, किसी को ट्रेन से जाना है घर, किसी को बस से जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, बच्चे को स्कूल जाना है, अस्पताल जाना है, तो ये जो आप चक्का जाम कर देते हो, तो ये देखिए जन आंदोलन के तहत जो आपने कार्य किया, ये सरकार की निर्णय प्रक्रिया और रोजमर्रा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करेगा। इन वंचित समूह को अपनी बात कहने का, अपनी बात कहने का पर्याप्त मौका नहीं मिलता। इसी कारण ये समूह, जन समूह, इसी कारण यह समूह चुनावी शासन भूमि, चुनावी शासन भूमि, ध्यान दीजिए बच्चों, चुनावी शासन भूमि से अलग जन कार्यवाही, जनता के द्वारा की गई कार्यवाही जो कार्य करते हैं, और लामबंदी की रणनीति, लामबंद मतलब इकट्ठे होना, जनता को इकट्ठा कर लेना और लामबंदी की रणनीति अपनाते हैं। इन आंदोलनों के आलोचक, जन आंदोलन की बात हुई, जन आंदोलन के सबक क्या है, देखिए आप लोगों ने रिवीजन बुक निकाली है, मैं एक थारो रिवीजन देता हूं, उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। बच्चों आज का जो हमारा विषय है चैप्टर 19, जन संघर्ष एवं राजनीतिक व्यवस्था, जन आंदोलनों के आलोचक अक्सर ऐसी दलील देते हैं कि हड़ताल, धरना और रैली जैसी सामूहिक कार्रवाइयों से सरकार के कामकाज पर बुरा असर पड़ता है, और उनके अनुसार इस तरह की गतिविधियों से सरकार की निर्णय प्रक्रिया बाधित होती है और वे रोजमर्रा की लोकतांत्रिक व्यवस्था, इससे क्या होती है, रोजमर्रा की लोकतांत्रिक व्यवस्था भंग होती है। जब देखिए सरकार की रणनीतियों पर आप जैसे चक्का जाम कर देंगे, आप कोई रोड रोक देंगे, रेल रोक देंगे, यातायात, अस्पताल का रास्ता सब रुक जाएगा, तो क्या होगा, ऐसी रोजमर्रा की, ऐसी इस तरह की गतिविधियों से सरकार की निर्णय प्रक्रिया भी बाधित होगी और रोजमर्रा की लोकतांत्रिक व्यवस्था भंग होती है। मतलब लोगों की जो व्यवस्था है, जो लोग दैनिक कार्य करते हैं अपने डेली लाइफ में, ऐसी दलीलें एक और गहरे सवाल को जन्म देती है कि जन आंदोलनों ऐसी मुखर सामूहिक गतिविधियों का सहारा क्यों लेते हैं, और ये जन आंदोलन जनता की जायज मांगों के नुमाइंदे बनकर उभर रहे हैं, और उन्होंने नागरिकों के एक बड़े समूह को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। किसको, जन आंदोलनों ने नागरिकों के बड़े समूह को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। इन आंदोलनों के द्वारा लामबंद की जाने वाली जनता सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित और अधिकारहीन वर्गों से संबंध रखती है। जन आंदोलनों द्वारा अपनाए गए तौर तरीकों से ऐसा हमको पता चलता है कि रोजमर्रा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इन वंचित समूहों को अपनी बात कहने का पर्याप्त मौका नहीं मिलता था। इसी कारण से ये समूह चुनावी शासन भूमि से अलग जन कार्रवाई और लामबंदी की रणनीति अपनाते हैं। चुनावी शासन भूमि से अलग जन कार्रवाई
और लामबंदी की रणनीति अपनाते हैं। हम पढ़ रहे हैं जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय राज्य व्यवस्था। हम यूपीएससी के लिए यहां पे लेक्चर दे रहे हैं और अब क्या करते हैं अपनाते हैं ये बात। नई आर्थिक और ऐसी बात नई आर्थिक नीतियों के मामले में ऐसी बात नई आर्थिक नीतियों के मामले में देखी जा सकती है। नई आर्थिक नीतियां जो यहां पर 2016 के बाद जो नई आर्थिक नीतियां बन रही हैं तो ये बात नई आर्थिक नीतियों के मामले में देखी जा सकती है। सभी राजनीतिक दल इन्हीं नीतियों सभी वो तो पॉलिटिक्स करना है राजनीतिक दल इन्हीं कैसी नीतियां आर्थिक नीतियां तो इन्हीं नीतियों को लागू करने के पक्ष में है। नीतियों आर्थिक नीतियों लागू करने के पक्ष में है। देखिए बच्चों अब मैं ऊपर का ये पैराग्राफ मिटा रहा हूं। अब इसके बाद हम आगे का जो थोड़ा सा और बचा हुआ है टॉपिक इसको खत्म कर लेते हैं। उसके बाद हम एक दो लेक्चर के बाद हमारा ये चैप्टर 19 खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर 20 पढ़ेंगे। लेकिन अभी देखिए और क्या है कि ऐसी ही आर्थिक नीतियों को लागू करने के पक्ष में सभी राजनीतिक दल पड़ेंगे। हाशियों पर मौजूद इसका मतलब क्या है समझिए। जब सभी राजनीतिक दल इसी नई आर्थिक नीतियों को लागू कराने में पक्ष में है तो ऐसा है इसमें मामला ऐसा मतलब हुआ है कि हाशियों पर मौजूद जिन सामाजिक समूहों पर हाशियों पर मौजूद जिन सामाजिक समूहों पर अब समूह हम बना लेते हैं और अपनी तरीके से उसको चलाते हैं जन आंदोलन करते हैं हम नेतृत्वकर्ता बन जाते हैं लोगों का लोकतांत्रिक रोजमर्रा अव्यवस्थित होता है सरकार की निर्णय प्रक्रिया अव्यवस्थित होती है लेकिन राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। राजनीति का देखिए शासन भूमि तो इससे हमको यह मिलता है कि हाशिए पर मौजूद जिन सामाजिक समूहों पर आर्थिक नीतियों का दुष्प्रभाव पड़ सकता है आर्थिक नीतियों का दुष्प्रभाव पड़ सकता है। देखिए आर्थिक नीतियों का समर्थन कर रहे हैं सभी दल तो उन पर ये राजनीतिक दल खास ध्यान नहीं देते देंगे और नहीं देंगे वो लेकिन वो उसका समर्थन करेंगे नहीं मुख्य धारा की मीडिया मुख्य धारा की मीडिया उन पर ध्यान जो मीडिया सब कुछ दिखा रही है ये भी इस पर ध्यान नहीं मुख्य धारा की मीडिया उन पर ध्यान देगी। तो जो मुख्य धारा की मीडिया है जो सारे खबर दिखा रही है जिनको बोलना चाहिए जो मीडिया है जो संचार है जो पत्रकारिता है वो भी इस मामले में नहीं बोलेगी क्योंकि सारे राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं जनता के इस मामले में। ऐसे में नई आर्थिक नीति नीतियों का विरोध ये तो राजनीतिक कर नहीं रहे हैं राजनीतिक पार्टियां कर नहीं रही हैं तो करना हो अगर तो अगर नई आर्थिक नीतियों का विरोध करना हो तो जन कार्रवाई का ही रास्ता
जनता खुद से कार्रवाई करेगी उसी को कहते हैं जन कार्रवाई। तो जन कार्रवाई का ही रास्ता, इसीलिए जन आंदोलन के सबक क्या है, क्या हमको सबक मिलता है, क्या सीख मिलती है जन आंदोलन से, तो ऐसे मामले में जन कार्रवाई का ही रास्ता बचता है, मतलब जनता खुद कार्रवाई करती है जब कोई पॉलिटिकल पार्टी उसका साथ नहीं देती। ऐसे आंदोलनों के द्वारा लामबंद की जाने वाली जनता सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी वर्गों से संबंध रखती है। जन आंदोलनों द्वारा अपनाए गए तौर तरीकों से ऐसा हमको पता चलता है कि रोजमर्रा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, क्या उस कौन सी रोजमर्रा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, जो रोज की हमारी लोगों की प्रक्रियाएं हैं, रोजमर्रा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इन वंचित समूहों को अपनी बात कहने का पर्याप्त मौका नहीं मिलता था, ये जन जन को जनता को, तो इसी कारण ये समूह जो है कौन जन कार्रवाई का समूह, चुनावी शासन भूमि से अलग जन कार्रवाई किया और लामबंदी की रणनीति अपनाते हैं, एक हो जाते हैं सारे लोग। और ये बात नई आर्थिक नीतियों के मामले में देखी जा सकती है कि सभी राजनीतिक दल इन्हीं नीतियों को लागू करने के पक्ष में हैं। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा हमको सीख से मिला, हाशिए पर मौजूद जिन सामाजिक समूहों पर आर्थिक नीतियों का दुष्प्रभाव पड़ सकता है, देखिए यहां पर कि अगर उस पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है, उन पर उस बात पर राजनीतिक दल खास ध्यान नहीं देते हैं और न ही मुख्य धारा की मीडिया इन पर ध्यान देगी। जो मीडिया है मुख्य धारा में, जिनकी बातें सुनी जा रही है, जिनको दिखाना है हर चीजों को, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो इस बात पर ध्यान नहीं देगी क्योंकि नई आर्थिक नीतियों की बात आएगी। ऐसे में नई आर्थिक नीतियों का विरोध करना हो तो जन कार्रवाई का रास्ता बचता है, किसका, जन कार्रवाई का, खुद जनता कार्रवाई करेगी, ऐसा ही रास्ता बचता है। जन आंदोलन यही काम करते हैं, जन आंदोलन यही काम करते हैं, ऐसा ही काम। जब राजनीतिक पार्टियां इनका साथ नहीं देती हैं, वे राजनीतिक जन आंदोलन वे राजनीतिक दलों के, वे जन आंदोलन क्या करता है, राजनीतिक दलों के चालू मुहावरे से बेवकूफ बनाने वाला जो मुहावरा है, चालू मुहावरे से अलग, मतलब अब अलग थलग हो जाते हैं कि वो बात होगी नहीं, अलग मुद्दे से अलग मुद्दे, अपने मुद्दे अलग, अपने मुद्दे उठाते हैं, जनता खुद अपने मुद्दे उठाते, समझे बच्चे। ये जन आंदोलन के सबक हमने पूरा पढ़ लिया, क्या कि जनता के आंदोलन, जनता की कार्रवाई का क्या सबक है, क्या सीख मिलती है हमें कि जनता क्यों आखिर सड़कों पे आंदोलन करती है। हालांकि हमारे पास जब राजनीतिक पार्टियां हैं तो हमें आखिर में जन आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों है, हाउ कैन वी एस्टैब्लिश स्ट्राइक ऑन दैट मैटर। ऐसे आंदोलनों के द्वारा, जन आंदोलनों के द्वारा लामबंद की जाने जनता की सामाजिक और आर्थिक और अधिकार विहीन वर्गों से संबंध रखती है हमारे जन आंदोलन। जन आंदोलन करता क्या, हर जनता को उसका हक दिलाता है, लेकिन यहां पर एक चीज और है, रोजमर्रा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम बाधा डालते हैं, सरकार की निर्णय प्रक्रिया में हम बाधा डालते हैं, लेकिन जन कार्रवाई होना जरूरी है। जब विभिन्न चटुकारी और बहुत ही चालाकी से जो मुहावरे कहते हैं वो जब साथ देना छोड़ देते हैं तो वो उस पल में क्या करती, जनता खुद से आंदोलन करती है, उसी को हम कहते हैं जन आंदोलन। की जब अपने मुद्दे को, किसको, जब अपने मुद्दे को उठाते हैं, किसको, स्वयं के मुद्दे को जब जनता उठाती है, वे राजनीतिक दलों के चटकारिता के मुहावरे से अलग, सिर्फ अपना जो मैटर है, अपने जो मुद्दे हैं उसको उठा लेते हैं। ऐसा है कि हाशियों पर मौजूद जिन सामाजिक समूहों पर, ये हाशिए पर चढ़ाए गया राजनीतिक दलों द्वारा,
ऐसे सामाजिक समूहों को हाशियों पर चढ़ा दो, अपने चटुकारिता और अपनी एक रटे रटाए मुहावरे जो कि प्रलोभन और एक जैसे किंवदंती जैसे बना दिया कि नहीं ऐसे करेंगे तो यही पार्टी ऐसा करेगी, नहीं अलग हो जाते हैं। राजनीतिक दलों की व्यक्तिगत चीजों को समझते हैं कि जनता की कार्रवाई जनता के मुद्दे के लिए नहीं लड़ेंगे। इस केस में जनता क्या करती है, अधिकार विहीन वर्गों से संबंध रखती और जन आंदोलनों द्वारा अपनाए गए तौर तरीकों से ऐसा हमको पता चलता है कि रोजमर्रा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ऐसे वंचित समूहों को अपनी बात कहने का पर्याप्त मौका नहीं मिलता था। इसी कारण से ये जन आंदोलन समूह चुनावी शासन भूमि से अलग जन कार्रवाई और लाभमंदी की रणनीति अपनाते हैं और सभी राजनीतिक दल इन्हीं नीतियों को लागू करने के पक्ष में है, इन्हीं आर्थिक नीतियों को। ये बात नई आर्थिक नीति के मामले में देखी जा सकती है कि सभी राजनीतिक दल इन्हीं नीतियों को आर्थिक नीतियों को लागू करने के पक्ष में है। जबकि अगर हम ऐसी बात समझें कि जो मर्म हमारा क्या निकलेगा कि हाशिए पे जो मौजूद है हमारा सामाजिक समूह तो आर्थिक नीतियों का उस पर दुष्प्रभाव, उस पर जो हमारा सामाजिक समूह है उस पर आर्थिक नीतियों का दुष्प्रभाव पड़ सकता है, तो उन पर ये राजनीतिक दल खास ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं देंगे ध्यान, तो जब ये इनका व्यक्तिगत फायदा उठाते हैं जनता समूहों का, जन दलों का, जन आंदोलनों का, तो जन आंदोलन अपने आप में स्वयं ही रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को और अपने आप को प्रोपोगेट करता है सोसाइटी में। प्रोपोगेट करता है तो क्या करता है, स्वयं की बागडोर अपने हाथों में अभिसिंचित करता है, पकड़ता है और स्वयं ही जन कार्रवाई में कूद पड़ता है। तो होगा क्या यहां पर कि ऐसा जब आर्थिक नीतियों का दुष्प्रभाव पड़ता है सामाजिक समूहों पर तो ये राजनीतिक दल खास ध्यान नहीं देते ऐसे मामले पे और न ही मुख्य धारा की मीडिया इनका साथ देती है सामाजिक समूहों का और न ही मुख्य धारा की मीडिया उन पर ध्यान देगी। तो ऐसे में नई आर्थिक नीतियों का विरोध, नई आर्थिक नीतियों का विरोध करना जनता का जन कार्रवाई का रास्ता बचता है। किसका रास्ता बचता है, जन कार्रवाई का रास्ता बचता है। आखिरी हमारे पास क्या हो तो जन कार्रवाई का ही रास्ता बचता है और जन आंदोलन यही काम करते हैं। एग्जैक्टली जन आंदोलन का कार्य क्या है, जन आंदोलन ऐसा ही कार्य करते हैं कि जब राजनीतिक दल एवं मुख्य धारा की मीडिया उनके बातों को नहीं सुनती, उनके हितार्थ कार्यों का और उनके अहित में जो कार्य और जो फैसले थोपे जा रहे हैं सामाजिक समूहों पर उनको नहीं सुनती मुख्य धारा की मीडिया और राजनीतिक दल जो कि अपने स्वयं के कुछ फायदे के लिए चटुकारिता करते, तो उस केस में जन आंदोलन ही ऐसा काम करते हैं और वे राजनीतिक दलों के चालू और प्रलोभन भरे मुहावरों से अलग होकर, देखिए अलग हो गए इस चटुकारिता के मुहावरे से अलग होकर अपने मुद्दे उठाते हैं, खुद के मुद्दे जन कार्रवाई है जन आंदोलन। तो जन आंदोलन से हमें यही सीख मिलती है। बने रहिए बच्चों और आप देखिए यूनिट 10 यम्पी आदिम जनजातियों का रहन सहन, खान पान व संस्कृति व सभ्यता, ये जो यूनिट 10 है मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही जल्द। अभी हमने मटेरियल ऑर्डर किया है, वो जैसे ही हमारे पास एमपी आदि जनजाति पहुंचेगा, कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों जगह एमपी आदिम जनजातियों का रहन सहन, खान पान, संस्कृति, सभ्यता, लोकगीत, लोक नाट्य सब कुछ हम आपको पढ़ाएंगे। यूनिट 10 एमबीपीसीएस 2024 17 मार्च को ध्यान रखिएगा, प्रांतीय पीसीएस परीक्षा है, भूल न जाए यूपीपीसीएस। रगड़ के तैयारी कीजिए, पूरा जान लगा दीजिए, धुआं धुआं कर दीजिए, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन पर बैठते हैं महत्वपूर्ण चैनल आई क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी परिष्कृत परिशोधित और शोधात्मक लेक्चर्स यहाँ पर डिजाइन करता है। आई कैन वेल डिजाइन एंड परफॉर्म द लेक्चर विद द हेल्प ऑफ द टर्नरी मार्क एंड बाई बोर्ड।
हम ऐसे ही माध्यम से एक शिक्षा को आत्मसात करती है, आत्मसात अभिसिंचित अभिसिंचन ही प्रगति का मार्ग। शिक्षा को भी सिंचित करना, संविधान को भी सिंचित करना, राज व्यवस्था को भी सिंचित किया हमने 1.5 सालों से, हम बिना भटके एक ही डगर पे चलते चले आ रहे हैं और निश्चित सफलता के द्योतक बने। यूपीएससी के लिए स्पेशली डिजाइन हमारा चैनल आई पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कटिबद्ध है, आई पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी विद्यार्थी बच्चों जो भी हो बताइए, और लोगों को जो कि फ्री एजुकेशन लेना चाहते हैं, हमारा यह महत्वपूर्ण प्रोग्राम कॉम्पिटेरिया यूट्यूब इंडिया कंट्रीब्यूटर्स प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है। अब इसको भारी मात्रा में सराहना दें, वीडियो को भारी मात्रा में लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और कॉम्पिटेरिया वाई टीचर को सब्सक्राइब किया कीजिए। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक, और हर तरह की तैयारी के लिए हमने एक अपना एक नया जुडिशरी विंडो खोला है, जो कि एपी पर एक पेज है जिसका नाम है विधिक चर्चा कॉम्पिटेरिया। वहां पे मैं आपको हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973 एंड द हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन रूल्स 1976 मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है बेयर एक्ट, और उसके बाद अब हम द पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1918 इसमें क्या हमने पिटिशन ऑफिसर जितने भी ग्रेड के हैं उनके बारे में पढ़ाया आज के लेक्चर में, और भी पूरा पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1918 उसको भी हमने पढ़ाया है। तो जो भी विद्यार्थी लॉ से संबंधित ध्यान दीजिए बच्चों, या यूपीपीसीएस में अगर उन्होंने सब रजिस्ट्रार का फॉर्म भरा है तो आप लोग क्या करिएगा, ये आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन लाके पूछेंगे। जब आप सब रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई किएंगे लॉ है तो इंटरव्यू में जरूर आपसे लाके क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए यूपीपीसीएस के 17 मार्च के पेपर में जो सब रजिस्ट्रार बच्चे भरे हैं वो हमारे चैनल को देख सकते हैं, चैनल का नाम है जो एबी पे है विधिक पेज है विधिक चर्चा कॉम्पिटेरिया, इसके आगे एक्स्ट्रा में लगा हुआ है, तो ये पूरा पेज का नाम है विधिक चर्चा कॉम्पिटेरिया, जो कि पूरी तरह से समर्पित है जुडिशियरी एडवोकेसी ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन एबीओ पीओ एडीए विधि रचनाकार परीक्षा विच विल बी हेल्ड इन अपकमिंग डेट्स। हमारे पीएससी से वैकेंसी आने वाली है राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज राजस्थान एपीओ, उसकी भी तैयारी यहां पर करेंगे। हमने पढ़ा दिया आपको दी हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1973 एंड रूल्स 1976, अभी हम इसमें पढ़ा रहे हैं दी पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1918। आज हमने लेक्चर लिया पिटीशन ऑफिसर्स के बारे में, तो देखते जाइए द पंजाब कोर्ट एक्ट 1918 भी मैं 2-3 लेक्चर में खत्म करने वाला हूं। उसके बाद हम लोग आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस कस्टमरी ला मोहिंदर ला हिंदू ला ये सब पढ़ेंगे, जो कि हमारा सिलेबस यहाँ चल रहा है विधिक चर्चा कॉम्पिटेरिया पे एससीएस जुडिशियरी का, उसके लिए हम कटिबद्ध है 3 मार्च को परीक्षा है, फिर 17 मार्च को हम यूपीपीसीएस के लिए, यूपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ गया बच्चों, यूपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ गया आईएएस का आईपीएस का आईएफएस का, उसका भी देख लीजिएगा। मैं आपको है कि कॉम्पिटेरिया पेज पर यूपीएससी का नोटिफिकेशन डाल दूंगा, और इसी तरीके से आप लाभ लें हमारे चैनल कॉम्पिटेरिया का और सब्सक्राइब करें। आज का लेक्चर यहीं तक बच्चों, अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष फिर हाजिर होगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। रीस्टार्ट करें।